दोस्तों, टेक स्टेप्स के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से अपनी बुक की हुई टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, ऐप ओपन होते ही एक अलर्ट आएगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद नीचे ओके है, इस पर आप टैप कर दीजिए। दोस्तों, IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के होम स्क्रीन में हैं हम। हमें अपनी बुक की हुई टिकट को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर पर लॉगिन का बटन है, इस पर आप टैप कर दीजिए। यहाँ पर आपको आपके 4-डिजिट पिन को एंटर करना होगा। दोस्तों, 4-डिजिट पिन एंटर करने के बाद आपको यहाँ कैप्चा एंटर करना होगा और कैप्चा एंटर करने के बाद नीचे लॉगिन का बटन है, इस पर आप टैप कर दीजिए लॉगिन करने के लिए। दोस्तों, लॉगिन होने के बाद हम फिर से होम स्क्रीन में आ जाएंगे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के। आपको आपके बुक की हुई टिकट्स को देखना है तो यहाँ पर अपकमिंग जर्नी का ऑप्शन है ऊपर, इस पर आप क्लिक करिए या फिर नीचे मेन्यू में माई बुकिंग्स का ऑप्शन, इस पर आप टैप कर अपनी बुक की हुई टिकट्स को देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप टैप करेंगे माई बुकिंग्स ओपन हो जाएंगी और यहाँ पर आपको जो भी टिकट आपने बुक की है वो लिस्ट करने लगेगी। दोस्तों, मैं जो टिकट दिख रही है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। टैप कर टिकट ओपन हो गई है और इस टिकट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको डाउनलोड का आइकन दिख रहा है, इस पर आप टैप करिए। टिकट डाउनलोड होने के बाद आपको IRCTC ऐप बताएगा किस लोकेशन पर टिकट सेव हो गई है, जैसे कि टिकट हैज बीन सेव्ड इन स्टोरेज /emulated/0/ERS/ में, मतलब इस लोकेशन पर आप जाकर आपकी डाउनलोड की हुई टिकट को ओपन कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरह IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से आप अपनी बुक की हुई टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।